क्लास हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। तो हम लोगों को यूनिट थर्ड पढ़नी है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। हमें वर्ल्ड ऑफ लिविंग के बारे में पढ़ना है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इसमें जो चैप्टर नंबर है 7, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। पहले इंट्रोडक्शन है, कह रहे यू आर लिविंग इन एनवायरमेंट सराउंड विद डिफरेंट थिंग्स। इन्वायरमेंट जो है हमारा, याद रखिए वी आर लिविंग, हम लोग क्या हैं, लिविंग्स हैं, और हम लोगों के जित चारों तरफ का जो हमारा कहा जाए एटमोसफेयर है, उस एटमोसफेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं, इन्वायरमेंट है हमारा वो। कह रहे हैं दीज थिंग्स इंक्लूड बोथ लिविंग थिंग्स सच एज डॉग्स कैट्स पीपल एंड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज टेबल्स चेयर्स वॉल्स ऑफ द रूम इन विच वी आर सिटिंग। मीन्स जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट दिख रहा है सराउंडेड विद डिफरेंट थिंग्स हैं, हम लोग अपने डिफरेंट थिंग्स से सराउंडेड हैं, और इन्वायरमेंट हमारे चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है। और इसमें लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। लिविंग थिंग्स में जैसे पीपल्स हो गए और कहा जाए डॉग्स हैं कैट्स हैं अदर एनिमल्स हैं। नॉन लिविंग में टेबल्स हो गई चेयर्स हो गई हमारी काज वॉल्स ऑफ रूम्स हो गई, ये सारी क्या है, नॉन लिविंग्स हैं। ऑल दिस थिंग्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग हैव सम करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। और लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हैं, एंड सेवरल अदर रिस्पेक्ट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन दिस चैप्टर। यू विल लर्न अबाउट द करेक्टरिस्टिक दैट आर कॉमन एंड अनकॉमन इन वेरियस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कौन कौन से करैक्टर्स कॉमन हैं, कौन कौन से करैक्टर कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में कौन कौन से कॉमन फीचर्स हैं। कह रहा एवरीथिंग वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, क्योंकि होल जो अर्थ है या अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट हैं वो लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ से बने हैं। तो मींस और हम सभी लोग एक मैटर से बने हैं। मैटर हमें मालूम है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं एटम्स, जब वो जॉइंट होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनता है, मॉलिक्यूल से फिर हमारे मैटर बनता है। तो वी आर मेड बाय मैटर, चाहे लिविंग थिंग्स हों चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हों। You have learned in your previous class that all form of matter are made by tiny particles. हम लोगों ने पढ़ा हुआ है previous class में कि जितने भी things हैं वो tiny particles से made हैं, उन tiny particles को हम लोग atoms कहते हैं। Atoms मिलकर हमारे क्या हैं, molecule बनाएंगे, molecule मिलेंगे तो हमारी matter form होगा। It means that all these things whether living or non-living are made of some small particle and being an object अकुपाई सम स्पेस एंड हैव मास। यानी हमें मालूम है किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ स्पेस, जो मैटर है वो कुछ ना कुछ स्पेस कवर करती है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, तभी हम उसे मैटर कहेंगे। ऑल ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ मैटर, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब किससे मेड हैं, मैटर के। दे अकुपाई अ सरफेस एंड हैव वैल्यूम एंड मास, इनका कुछ ना कुछ सरफेस होगा, कुछ ना कुछ वैल्यूम होगी और कुछ ना कुछ मास होगा। लिविंग थिंग्स आर सेड टू बी मेड ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड सेल्स, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बेटा स्मॉल यूनिट से बने होते हैं, उन स्मॉल यूनिट्स को हम लोग कहते हैं सेल्स। बेटा जैसे मैंने बताया कि सेल्स जो हैं वो क्या हैं, वो हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल्स से मेड हैं। तो जब सेल्स मिलकर टुगेदर वर्क करती हैं तो क्या बनता है, हमारा टिश्यू बनता है। जब टिश्यू मिलकर टुगेदर वर्क करेगा तो क्या बनेगा, हमारा ऑर्गन बनेंगे। जब ऑर्गन मिलकर टुगेदर वर्क करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और जब ऑर्गन सिस्टम मिलकर टुगेदर वर्क करते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है। यानी होल जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे मेड है, वो हमारा सेल से मेड है। सेल जो है हमारी वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है ऑर्गेनिज्म की वो क्या होती है, सेल्स। वी आर मेड बाय सेल्स, हम सभी लोग सेल से बने हैं, और सेल हमारी बॉडी की क्या है, यूनिट है।